हाय, मैं हूँ अमृता। दोस्तों, जब इतिहास की बात आती है ना, तब कई सारे चेहरे जानबूझ के मिटा दिए जाते हैं इतिहास के पन्नों से। आज मैं कुछ ऐसी ही मूवी लेके आई हूँ जो वन ऑफ कंट्रोवर्शियल है मेरे ख्याल से। अगोरा मूवी। एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी साइंस को दे दी, लेकिन दो रिलीजन के बीच में फंसने के कारण उसके डिस्कवरी का कुछ भी ना हो सका। ऐसी ही मैंने और एक मूवी की है, द फिजिशियन। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर चेक कीजिए। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की कहानी आज से करीब करीब 1500 साल पहले शुरू होती है, 1990 का दशक। हम मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर को देखते हैं, जहाँ उस वक्त में रोमन्स रूल करते थे और ये पूरी जगह दो रिलीजन्स में बट गई थी। एक था क्रिश्चियन और दूसरे थे ज्यूस, जिन्हें उस वक्त पेगन्स कहा जाता था। और इन्हीं के बीच में थी मूवी की प्रोटैगनिस्ट हाइपेशिया, जो कि एक फिलोसोफर, टीचर, साइंटिस्ट थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी साइंस के नाम कर दी थी। उसे बस एक ही चीज जाननी थी, पृथ्वी सूर्य के किस ओर घूमती है, यानी अर्थ की ऑर्बिट क्या है, वो कौन से डायरेक्शन में घूमती है। अब दोस्तों, कंसिडरिंग ये 1390 का दशक है, आप समझ सकते हो उस टाइम पे कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं हुई थी। और अगर मूवी का अंत इतना दर्दनाक ना होता तो शायद हाइपेशिया का नाम आज पूरी दुनिया में फेमस होता। सो हम हाइपेशिया को देखते हैं, वो प्लेटोनिक स्कूल में पढ़ाया करती थी, जहाँ पे बच्चों को फिलोसॉफी, साइंस, मेडिकल, आर्किटेक्चर, ऐसे कई सारी चीजों का नॉलेज दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, स्कूल में फ्यूचर लीडर्स ही पढ़ा करते थे, यानी जिनकी फैमिली पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। स्कूल में क्रिश्चियन एंड ज्यूस दोनों भी बैठ के पढ़ते थे। एक दिन क्लास में हम ऑरिस्टिस और साइनिसियस, इन दो लड़कों को देखते हैं। ऑरिस्टिस ये ज्यूस था तो साइनिसियस ये क्रिश्चियन था, लेकिन ये दोनों भी काफी अच्छे दोस्त थे। इसके अलावा हाइपेशिया का एक गुलाम डेविस भी था, जो हाइपेशिया से काफी प्यार करता था और उसका हर एक लेक्चर बारीकी से सुनता था। यहाँ पे हाइपेशिया एक दिन लेक्चर में स्टूडेंट से ऐसे शक्ति के बारे में पूछती है जिसके कारण कोई भी चीज जमीन पे गिर जाती है, यानी यहाँ पे वो ग्रेविटी की बात कर रही होती है। अब यहाँ पे तभी ग्रेविटी की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए सब लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं। मूवी में ये शॉट इसीलिए बताया गया है ताकि व्यूअर्स को पता चले कि ये दौर कौन सा है। तो दूसरी जगह पे हम दोस्तों पेगन्स की एक सीक्रेट जगह देखते हैं, जिसे लाइब्रेरी ऑफ सेरापियम कहते हैं। पेगन्स के कई सारे आइडल्स, उनके स्टेचू, फिलोसॉफी, लिटरेचर, ऐसे कई सारी किताबें वहाँ पे रखे हुए थे। हाइपेशिया के पिता थियोन इस लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे, और पेगन्स के लिए कोई भी रिलीजन का फैसला लेना हो तो उनके सहमति से ही लिया जाता था। ऑरेस्टिस खुद भी पेगन था और वो हाइपेशिया से काफी प्यार करता था, और एक दिन उसे प्रपोज करता है क्लास के बाद, लेकिन हाइपेशिया उसे उस वक्त कुछ नहीं कहती। अब यहाँ पे सोसाइटी में दो ग्रुप जो थे उसके बीच में हमेशा कोई ना कोई कोल्ड वॉर चलता रहता था। हम एक दिन क्रिश्चियन के एक लीडर को खुलेआम पेगन्स के क्रिस्ट को चुनौती देते हुए देखते हैं। क्रिश्चियन लीडर कहता है कि अगर मेरा भगवान है तो बीच में लगे आग में मैं कूद जाऊंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। और दोस्तों, वो कूद जाता है, सच में उसे कुछ नहीं होता। दरअसल उसने वैसे लेयर्स ऑफ कपड़े पहने होते हैं। अब ये देखते हुए जबरदस्ती ये लोग पेगन के प्रीस्ट को भी आग में ढकेल देते हैं, बेचारे वो जलने लगते हैं, लेकिन उनके साथ ही आके उसे बचाते हैं। यानी यहाँ पे ऐसे झगड़े हमेशा चलते रहते थे। अब एक दिन थियोन को अपने घर में एक क्रॉस मिलता है जो एक गुलाम लड़की का होता है। ये देख के थियोन काफी गुस्सा होता है, लेकिन डेविस इन सारी चीजों का इल्जाम खुद पे लेता है, तो थियोन डेविस को काफी मारता है। यहाँ पे हाइपेशिया उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। अब हाइपेशिया गिल्टी होने के कारण रात को डेविस के कमरे में जाती है उसे मलम लगाने के लिए, और तभी उसकी नजर उसके टर्मिक मॉडल पे जाती है जो उसने हाइपेशिया के लेक्चर को सुन के बनाया था। ये देख के वो काफी हैरान होती है कि मेरे स्टूडेंट्स ने ये बनाया नहीं, लेकिन एक गुलाम बना पाया। अब अगले दिन में डेविस उस मॉडल को क्लासरूम में पेश करता है और सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है। अब दोस्तों, उस वक्त पे सूर्य, चांद और धरती के अलावा सिर्फ 5 प्लैनेट की खोज हुई थी। वो थे मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, जिन्हें वांडरर कहा जाता था। और उस वक्त ये मानते थे कि ये सारे प्लैनेट्स सूर्य नहीं बल्कि धरती के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसीलिए यहाँ पे धरती सेंटर पे थी। एक दिन पेगन्स का कुछ फंक्शन चल रहा था और काफी सारे पेगन्स के लोग आके बैठे हुए थे। अब इसी बीच मीटिंग में ऑरिस्टिस वापस हाइपेशिया को सबके सामने प्रपोज करता है। वो कहता है कि मेरा सबसे ज्यादा प्यार मेरे म्यूजिक से है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। और वो अपनी म्यूजिक की जो इंस्ट्रूमेंट रहती है वो हाइपेशिया को देता है। अब शर्मिंदा होकर हाइपेशिया ज्यादा कुछ ना बोलते हुए उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करती है। ये चीज जब डेविस देखता है तब वो काफी हैरान होता है और रात में भगवान को प्रार्थना करता है कि वो किसी की ना हो। लेकिन अगले दिन क्लास के दौरान हाइपेशिया अपने पीरियड का एक कपड़ा ऑरिस्टिस को देती है, जिसका मतलब था कि उसने प्रपोजल ठुकराया है। ये देख के ऑरिस्टिस काफी गुस्सा होता है, वहां से निकलने लगता है। तभी इन सबको बाहर बुलाया जाता है, जहाँ पे
पेगन्स का एक प्रिस्ट पेगन्स के सारे लोगों को क्रिश्चियंस के खिलाफ भड़का रहा था, उन्हें चुनौती देने के लिए ललकार रहा था। अब इसका परिणाम अच्छा नहीं होता, इसलिए हाइपेशिया सबको शांत कराती है और अपने पिता को समझाने लगती है, लेकिन थियोन नहीं मानता, जिसके कारण एक जंग छिड़ जाती है दो रिलीजियंस के बीच में, जहाँ पे मासूम बच्चे, औरत, बूढ़े सबको मारा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियंस काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए क्रिश्चियंस लड़ाई में जीतने लगते हैं। अब यहाँ पे पेगन्स को टेंशन आने लगता है ये कैसे बचे, इसीलिए ये सारे पेगन्स अपने उस लाइब्रेरी में जाके छुप जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं ऐसे ही लड़ाई के। अब दोस्तों यहाँ पे डेवस एक क्रिश्चियन था और उसे बाहर जाना था, लेकिन हाइपेशिया उसे रिक्वेस्ट करके मना करती है। इसके अलावा इस लाइब्रेरी में साइनीसियस और उसके कुछ दोस्त भी थे जो कि क्रिश्चियंस थे, और रात में अपनी जान बचा के वे लोग इस लाइब्रेरी से भागते हैं, जिसे डेवस देख लेता है लेकिन उनको रोकता नहीं है या किसी को बोलता नहीं। यानी डेवस भले ही हाइपेशिया से प्यार करता था, लेकिन इस रिलीजन की जंग में वो भी पिस रहा था। और देखते ही देखते काफी सारे महीने बीत जाते हैं, उनका खाना खत्म होने लगता है, और डेवस क्रिश्चियन होने के कारण वो एक दिन लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। अब अलेक्जेंड्रिया दो हिस्सों में बंट गया था, हाइपेशिया और वैसे ही कुछ लोग लाइब्रेरी में छुपे हुए थे। काफी महीनों के बाद वहाँ रहने पर उनका खाना धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जो कि काफी टेंशन की बात थी, क्योंकि इनमें से कोई भी बाहर नहीं जा रहा था या बाहर वाले को अंदर आना अलाउड नहीं था। ऐसे हालात में भी हाइपेशिया अपने साइंस की खोज जारी रख रही थी। अक्सर वो रात में सोचा करती थी कि ऐसी क्या चीज है जिसके कारण ऊपर फेंकी हुई चीज नीचे तो गिरती है लेकिन आसमान के तारे नीचे नहीं गिरते। तो डेवस और वो दोनों भी हेलोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे शायद पृथ्वी के आसपास नहीं बल्कि हम सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब कुछ महीने बीतने के बाद रोमन एम्पायर पेगन्स को माफ कर देता है, लेकिन उनकी लाइब्रेरी वे लोग सीज करते हैं क्योंकि उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की थी। अब इनके जो भी ग्रंथ है, पुरानी किताबें हैं, उन पे उनका हक नहीं होगा, इसीलिए अपने जरूरी स्ट्रोल्स, किताबें, ऐसे काफी सारी चीजें लेके लोग और हाइपेशिया वहाँ से निकल जाते हैं। तो सब यहाँ पे डेवस क्रिश्चियन होने के कारण वो उन्हीं में शामिल हो जाता है और बाद में उन्हीं लोगों के साथ आकर की जो ये लाइब्रेरी रहती है वो तोड़ देता है, सारे स्टेचूज तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन उसे कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा था कि अगर हाइपेशिया को पता चला तो वो क्या सोचेगी। अब एक रात हाइपेशिया को पता लगता है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि लड़ाई में वो बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे। ये सुनके वो बहुत ही भावुक हो है, वो प्रॉपर एक स्टेट में नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पे डेवस आ जाता है और उसे दबोचने लगता है, उसे हरास करता है। बचपन से उसे पेगन्स लोगों ने सताया था, उसे गुलाम बनाया था, वो सारा गुस्सा वो उस पे निकालने लगता है। लेकिन ऑन अदर हैंड वो हाइपेशिया से प्यार भी करता था, इसीलिए वो अचानक से रोने लगता है और उसके सामने उसका सर झुक जाता है और उसे अपनी तलवार देता है कि लो मुझे मार डालो। लेकिन हाइपेशिया उसे मारती नहीं है बल्कि उस तलवार से उसकी जो गुलामी की पट्टी रहती है वो निकाल देती है और कहती है कि तुम अभी आजाद हो, और हाइपेशिया से निकल जाती है। अब इसी के चलते क्रिश्चियन प्रिस्ट ऐलान कर देता है कि यहाँ पे किसी भी तरह की पेगन के भगवानों की पूजा नहीं की जाएगी, अगर ऐसे किसी ने किया तो उसे जलील किया जाएगा और उसे मौत की सजा मिलेगी। देखते ही देखते 2 से 4 साल बीत जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ऑरेस्टस जो था वो एक अमीर फैमिली से था, पेगन था, लेकिन उसे ही अपनी पोजीशन बरकरार रखनी थी, इसीलिए वो क्रिश्चियन बन जाता है और उसके साथ साथ वो अलेक्जेंड्रिया का प्रीफेक्ट भी बनता है। यहाँ पे अक्सर पेगन्स के ऊपर काफी सारी ज्यादती होती थी, उन्हें बार बार पत्थरों से मारा जाता था और कई बार पेगन्स ऑरेस्टस के पास गए उसकी मदद मांगने के लिए, लेकिन वो किसी भी तरह उनकी मदद नहीं करता था। ये उस टाइम के समाज के हालात थे। तो हाइपेशिया आज भी साइंस की डिवोटी थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि डेवस अभी क्रिश्चियन में शामिल हो गया है या ऑरेक्टस भी अभी क्रिश्चियन बन गया है। ऑरेस्टस हाइपेशिया को एक दिन बोट पे लेके जाता है, लेकिन वहां पे भी वो साइंस की ही एक खोज की तलाश कर रही थी। वो एक गुलाम को बोट के ऊपर चढ़ने के लिए कहती है और वहाँ से एक बोरी की पेटी नीचे फेंकने के लिए कहती है। हाइपेशिया का मानना था बोरी आगे या पीछे गिरनी चाहिए क्योंकि बोट चल रही है, लेकिन वो बोरी उसी जगह गिरती है, जिससे वो पहले तो काफी कंफ्यूज होती है, लेकिन काफी सोचने के बाद वो इस अनुमान पे पहुंचती है कि यही चीज पृथ्वी के बाकी चीजों पे भी लागू होती है, और इसी के कारण भले ही पृथ्वी घूम रही है उसके बावजूद कोई भी चीज नीचे नहीं गिरती, जैसे कि वो तार। और दोस्तों यही वो अनुमान था जो आगे जाके लॉ ऑफ मोशन बनता है। इसके अलावा दोस्तों लोगों का ये भी मानना था कि धरती फ्लैट है और अगर हम धरती के दूसरे नोक तक पहुंच गए तो शायद हम नीचे ब्रह्मांड में गिर जाएंगे, यानी यूनिवर्स में हम गिर जाएंगे। अब हाइपेशिया अपने अगले डिस्कवरी की ओर बढ़ती है, जहाँ पे वो सोच में पड़ती है कि आखिरकार धरती पे कभी गर्मी या कभी ठंड ऐसे वेदर क्यों आते हैं, उसका क्या कारण है। तो उसका गुलाम कहता है कि शायद सूर्य कभी बड़ा या छोटा होता होगा, जिसके कारण समर या विंटर जैसे सीजन आते हैं।
यही बात जब चल रही होती है तभी हाइपेजिया एक हलचल सुनती है। यहाँ पे कुछ पेगन्स जो होते हैं वो क्रिश्चियंस पर हमला करने का सोच रहे होते हैं और देखते ही देखते वो वापस क्रिश्चियंस पे हमला करते हैं। बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है जहाँ पे क्रिश्चियंस लोग वापस अंधाधुन गरीबों को मारने लगते हैं। यही बात हाइपेजिया खुद ऑरिस्टस को आके कहती है कि इस लड़ाई को रोको, क्रिश्चियंस को कहो कि वो मारना बंद करे, मैं पेगन्स को समझाती हूँ, लेकिन वो उसकी तरफ से कुछ नहीं करता। इन मारने वाले लोगों में डेविस भी शामिल था और वो भी लोगों का कत्ल करते जा रहा था, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है कि इस लड़ाई में इन मासूम लोगों का मरना क्यों जरूरी था, ऐसे बच्चों को मारना क्यों जरूरी था जिन्हें अभी रिलीजन क्या है ये भी पता नहीं है। तो क्रिश्चियंस का लीडर आके कहता है कि ये सब कुछ तुम भगवान के लिए कर रहे हो, बस उसी की मर्जी है। यानी इसी तरह लोगों के आंखों पे जातिवाद की एक पट्टी बंधी हुई थी और वो सही और गलत का अंतर ही नहीं कर पा रहे थे। एक दिन पेगन्स क्रिश्चियंस से दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें लाइब्रेरी में वापस जाने की इजाजत दी जाए। तो क्रिश्चियंस के लीडर कहते हैं कि तुम्हें पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, जिसपे हाइपेशिया ऐतराज जताती है और वो काफी खरी खोटी उस दरबार में सुनाती है, जिसके कारण वो लीडर बहुत ही भड़क जाता है और बाद में एक सभा में औरत को कैसे रहना चाहिए इसके नए लॉ निकालता है। उसके साथ साथ वो हाइपेशिया को भी बहुत ही गंदा कहता है। आगे वो ये भी कहता है कि ऑरेस्टस हाइपेशिया का एक गुलाम है और हाइपेशिया एक विच है, वो अपने साइंस नहीं बल्कि अपना विचक्राफ्ट कर रही है, उसे कोई अधिकार नहीं बनता जीने का। हाइपेशिया की ऐसी इज्जत उछालते हुए देख ऑरेस्टस की आंखों में आंसू आते हैं। अब अगले दिन की सभा में साइरिल नाम का जो क्रिश्चियंस का लीडर था वो सबको बाइबल के सामने झुकने के लिए कहता है, लेकिन ऑरेस्टस नहीं झुकता और वो वहाँ से निकलने लगता है। तो सब लोग उसे झूठा क्रिश्चियन कह के उस पे हमला करते हैं। उसी में एमोनियस जो रहता है वो उसके सर पे बहुत सारे पत्थर मारता है, जिसके कारण ऑरेस्टस बहुत ही जख्मी होता है। अब ये चीज देख के पेगन्स बहुत ही भड़क जाते हैं और एमोनियस पे हमला करते हैं, जिसमें वो मारा जाता है। अब एमोनियस के मृत्यु के कारण दोनों रिलीजन की लड़ाई अपने आखिरी कगार पे पहुंच जाती है। साइरिल ऑरेस्टस और हाइपेशिया को मारने का प्लान बनाता है। दोस्तों इन सारे प्लानिंग में जो ऑरेस्टस का दोस्त था स्कूल में साइनिसियस, वो भी ये सारी चीजें सुनता है और वो सबसे पहले अपने दोस्त ऑरेस्टस को जाके मिलता है। उसे कहता है कि देख, अपने प्यार और मजहब के चक्कर में हमेशा मजहब ही जीतता आया है, तो इसीलिए तू अभी प्लीज झुक जा या फिर वो तुझे मार देंगे। जिससे ऑरेस्टस काफी रोने लगता है कि अभी उसके पास कुछ भी नहीं बचा है और देखते देखते वो साइनिसियस के आगे झुक जाता है। तो यहाँ पे अभी क्रिश्चियंस हाइपेशिया को विच क्राफ्ट का करार देके उसे मारने की साजिश करते हैं। ये बात डेविस सुन लेता है। तो यहाँ पे इन सारे बातों से अनजान हाइपेशिया अपने रिसर्च में लगी हुई थी। वो ये समझना चाहती थी कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द जो घूमती है वो कौन से शेप में घूमती है, और वो अपने अनुमान पे पहुंच जाती है कि वो शायद इलिप्स शेप में घूमती है और इसीलिए गर्मी या ठंड जैसे मौसम पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं थी। तभी वहाँ पे ऑरेस्टस आ जाता है उसे आगाह कराने के लिए कि तुम पे भी हमला होगा, प्लीज तुम खुद को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर लो, लेकिन वो नहीं मानती। यहाँ पे हाइपेशिया को अपने वैल्यूज बरकरार रखने दें। यहाँ पे डेविस भी उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, क्रिश्चियंस ने उसके रहने वाली जगह पे हमला किया था, ऑलरेडी उसे पकड़ लिया था। उसे काफी मारते हुए, उसके कपड़े निकालते हुए, दबोचते हुए वो उस लाइब्रेरी में जलील करते हुए उसे लेके आते हैं और उसे मारने के लिए वो तलवार ढूंढते हैं, लेकिन किसी के पास भी तलवार नहीं थी, तो वे लोग बाहर जाते हैं पत्थर लाने के लिए। अब ये हालत देख के डेविस बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है, उसकी ऐसी हालत है। एक भयानक मौत से बचाने के लिए वो हाइपेशिया के नजदीक जाता है और उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है ताकि उसे एक आसान मौत मिले। मरते हुए हाइपेशिया की नजर उस लाइब्रेरी के छत पे जाती है जिसमें एलिप्स शेप बना हुआ था। यानी दोस्तों आखिरकार मरने के वक्त पे उसे वो पता चला जो चीज की वो खोज कर रही थी, कि धरती एलिप्स शेप में ही घूमती है सूर्य के इर्द गिर्द। ये चीज हमेशा उसके सामने थी, उसके लाइब्रेरी में थी, लेकिन वो कभी भी देख नहीं पाई। और दोस्तों यहाँ पे देखते ही देखते वो बेचारी दम तोड़ देती है। फिर डेविस उन लोगों को बुलाता है, कहता है कि ये बेहोश हो गई है, और फिर सब लोग उसे पत्थर फेंक के मारने लगते हैं। उसके शरीर को गलियों में घसीटा जाता है और आखिर में जला देते हैं। और दोस्तों इसी तरह आज इतिहास से और खुद मिस्र से हाइपेशिया का नाम मिटा दिया गया। लेकिन उसके 1200 साल बाद यानी 1600 के आसपास यही चीज जोहानसन केपलर ने डिस्कवर की अर्थ की ऑर्बिट एलिप्स शेप में घूमती है, और उन्होंने अपनी रिसर्च दुनिया के सामने लाई और इनका सारा श्रेय जोनास केपलर को दिया गया, क्योंकि लोगों को हाइपेशिया कौन है ये पता ही नहीं था। और इन्हीं झगड़ों के कारण ऐसे कितने ही वैज्ञानिक और मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।